वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक विच इज बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ये टॉपिक जो है ये आपका परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के साथ ही दिया हुआ है। सो या तो आपको क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से मिलेगा या परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से मिलेगा। पिछली बार परमुटेशन से आया था, इस बार हो सकता है बाइनोमियल थ्योरम से आ जाए, या दोनों से भी एक के क्वेश्चन वो डाल सकते हैं। ठीक है, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि 10 टॉपिक है तो ईच टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, सो आज हम करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट मैथ्स के लेक्चर स्टार्ट किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना लिया, वहां से जाके बाकी वीडियो भी वॉच कर सकते हो। 3 टॉपिक हो गए हैं, ये हमारा 4th टॉपिक है। अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया तो फिर से रिस्टार्ट करो, एग्जाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, जिनकी पिछली बार सिलेक्शन हुई थी उन्होंने डिमोटिवेट नहीं होना है, फिर से स्टार्ट करना है, एक बार फिर से मैदान में आ जाओ। और जो बहुत कम मार्जिन से रहे थे वो भी आ जाओ, उनको तो ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, सो आज हम करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। बहुत कम्प्लेक्स टॉपिक है, जो नॉन मैथ के स्टूडेंट नहीं होंगे उनके लिए कम्प्लेक्स होगा, बट मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपने बस वीडियो को पूरा देखना है, तो यहां से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आया आप उसको छोड़ने वाले नहीं हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो बाइनोमियल थ्योरम होती है बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म्स, दो टर्म्स की थ्योरम। ठीक है, जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो। आपको पता है इस बाइनोमियल थ्योरम होती है ए प्लस बी रेज टू पावर एन, इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं वही हमें बाइनोमियल थ्योरम कहती है। इस तरह के एक्सप्रेशन को अगर आपके पास ए प्लस बी रेज टू पावर एन, उसको एक्सपैंड कैसे करते हैं, उसको हम ओपन कैसे करते हैं, वो हमें बाइनोमियल थ्योरम कहती है। सो अगर आपने पहले तो पहली वीडियो नहीं देखी है परमुटेशन वाली, वो देख लो, वो नहीं देखी है तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। सो ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन किसके इक्वल होता है, ये आपको कम्प्लेक्स सा फार्मूला दिख रहा होगा, मैं इसको बिल्कुल ईजी करके आपको बताऊंगा। एन सी जीरो ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर जीरो, या कि इसकी फर्स्ट टर्म जब इसको एक्सपैंड करेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी एन सी वन ए रेज टू पावर एन माइनस वन बी रेज टू पावर वन, और थर्ड टर्म आ जाएगी एन सी टू ए रेज टू पावर एन माइनस टू बी रेज टू पावर टू प्लस सो ऑन टू लास्ट टर्म आपकी आएगी एन सी एन ए रेज टू पावर जीरो बी रेज टू पावर एन। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, देखो एन सी आर की वैल्यू तो आप फाइंड कर सकते हो, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया। पहले देखो आपको एन सी आर की वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए, वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया। फॉर एग्जांपल 7c5 क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, n यहाँ पे 7 है 7 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, r यहाँ पे 5 है 5 फैक्टोरियल। फिर 7 फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं कहाँ तक, 5 फैक्टोरियल तक ओपन कर दो, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1 2 ही आएगा, ये 5 फैक्टोरियल को अभी ऐसे रहने दो बिकॉज ये इस 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6 7 3 जा 21, सो इसकी वैल्यू आ गई 21। किसकी, 7c5 की वैल्यू आपके पास आ गई 21। इसी तरह आप कोई भी नंबर हो यहां पे आपको ये फाइंड करना आना चाहिए, हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया। ठीक है, अब देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म याद रखनी है कि बाइनोमियल थ्योरम को जब भी ओपन करते हैं तो nc0 आएगा, a रेज टू पावर n आएगा, ए जो पहली टर्म होगी उस पे पावर आएगी जो यहां पे पावर होगी मैक्सिमम जो भी पावर होगी, और बी पे पावर जीरो आएगी फर्स्ट टर्म में। फिर आगे वाली टर्म्स आप खुद ब खुद लिख सकते हो, कैसे कुछ नहीं करना है, एन सी जीरो था यहां पे एन सी वन हो जाएगा, ए की पावर एन थी तो एन से एक कम करनी है पावर, ए की पावर आप कम करते जानी है स्टेप बाई स्टेप वाइज, और बी की पावर बढ़ती जाएगी स्टेप वाइज। देखो ए की पावर एन माइनस वन होगी और बी की पावर एक बढ़ा दो आप, पहले जीरो थी अब वन हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, एन सी वन था एन सी टू हो गया, देखो आप एन सी टू हो जाएगा, ए की पावर अब दो का इससे एक कम करनी है, एन माइनस वन एक और कम करेंगे तो एन माइनस टू हो जाएगा, और बी की पावर एक बढ़ा दो, बी की पावर वन थी यहां टू हो जाएगी, एंड सो ऑन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते एन सी एन हो जाएगा आपका। ए की पावर कम हो रही थी ना तो कम होते होते जीरो हो जाएगी, बी की पावर बढ़ती थी बढ़ रही थी तो बढ़ते बढ़ते एन हो जाएगी। अब एक एक टर्म को देखो, पहले सिर्फ इसको देखो एन सी जीरो को, यहां पे एन सी जीरो है यहां पे एन सी वन है यहां पे एन सी टू है लास्ट में एन सी एन आएगा। अब ए देखो, ए की पावर एन होगी पहले, फिर ए की पावर एन माइनस वन, फिर ए की पावर एन माइनस टू, फिर ए की पावर करते करते जीरो हो जाएगी, बी की पावर देखो यहां जीरो से स्टार्ट होगी, फिर बी की पावर वन, फिर बी की पावर टू, फिर नेक्स्ट टर्म में बी की पावर थ्री, सो ऑन करते करते कहां तक जाएगी, बी की पावर एन तक जाएगी। तो सिंपल है ना फॉर्मूला, कुछ कंप्लेक्स नहीं है, एक पैटर्न बन रहा है यहां पे, एन सी जीरो से स्टार्ट होगा, फर्स्ट टर्म आपको सिर्फ याद रखनी है एन सी जीरो ए की पावर एन बी की पावर जीरो। आप चाहे तो ये यहां पे ना भी लिखो बी की पावर जीरो, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर जीरो वन होता है तो ये टर्म तो वन हो जाएगी, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली यहां पे जो ए की पावर जीरो लिखा है ये चाहे ना भी लिखो आप, ए की पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन ही होगा वो। तो ये फॉर्मूला आप समझ के इसको अपनी नोटबुक पे नोट करो और एक दो बार ट्राई करो। अब देखो इस फॉर्मूले को शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं, ये सिंबल होता है समीशन का, मतलब सम करना है। के की वैल्यू दी हुई है के जीरो से लेके कहां तक एन तक है, इट मींस
ये जो आगे फॉर्मूला दिया ना ये वाला, इसमें जहां जहां के होगा आपने पहले जीरो डालना है, फिर सम करना है, फिर के की वैल्यू वन डालनी है, फिर सम करना है। इसको मैं ओपन करूंगा, यही फॉर्मूला बनेगा। क्या होगा, आपको एमसीक्यू में हो सकता है सीधा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला ही पूछ रहे। अगर वो फॉर्मूला पूछा तो ये पूरा नहीं देगा, इसमें देगा आपको, इसमें वो वैल्यू चेंज कर देगा, यहाँ एन माइनस के की जगह के माइनस एन कर देगा, मतलब कुछ ऑप्शन चेंज कर देगा, तो आपका आंसर ये होगा। तो इस तरह से भी इसको याद रखना है। देखो इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो यही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये मैथ्स में लिखने का तरीका होता है, जब काफी सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, समीशन ऑफ एक के हमने वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू जीरो से लेके कहां तक है, एन तक है, और फॉर्मूला क्या है, एन सी के ए रेज टू पावर एन माइनस के बी रेज टू पावर के। अगर मैं इसको वापस ओपन करूंगा तो वापस यही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। देखो के की वैल्यू पहले क्या पुट करनी है, जीरो, तो इस पूरे में जहां जहां के है वहां जीरो पुट करो, तो क्या बन जाएगा, एन सी के की जगह जीरो आ जाएगा, ए रेज टू पावर एन माइनस के की जगह जीरो आएगा, एन माइनस जीरो एन ही बचेगा, तो यहां पे एन आ गया, बी रेज टू पावर के की जगह जीरो आएगा, जीरो। देखो ये पहली टर्म बन रही है, देखो ये पहली टर्म एक्जैक्ट बन रही है, नहीं बन रही, एन सी जीरो ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर जीरो। अब ये समीशन का मतलब ये है कि नेक्स्ट टर्म को इसमें ऐड करना है, ऐड कर दिया, अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, के की जगह जीरो डाला था, अब के की जगह वन डालना है, तो डालो यहां पे वन, तो हो जाएगा एन सी वन ए रेज टू पावर एन माइनस के की जगह वन आएगा, एन माइनस वन बी रेज टू पावर वन, के की जगह वन आएगा बी रेज टू पावर वन। देखो ये सेकंड टर्म बन गई। इसी तरह के की वैल्यू टू पुट करोगे तो ये टर्म बन जाएगी, के की वैल्यू सो ऑन टू एन पुट करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो इसी फॉर्मूले का शॉर्ट फॉर्म है, ये भी आपको याद रखनी है। तो ये फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम का अपनी नोटबुक पे नोट कर लो, इसको रट्टा नहीं मारना आपने, इसको समझ के लिखना है आपने। अब एक दो एग्जांपल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्स प्लस टू रेज टू पावर फाइव, इसको एक्सपेंड करना है, तो आप क्या करोगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n कितना है, n यहाँ पे 5 है, a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करो तो क्या फॉर्मूला, एन सी जीरो, एन यहाँ पे कितना है 5, तो पहली टर्म आएगी 5 सी जीरो, a कितना है x, a की जगह x आएगा, x रेज टू पावर कितना है, देखो a रेज टू पावर n है ना, तो n यहाँ पे कितना है 5, तो x पे पावर 5 आएगी, और ये जो दूसरी टर्म है b, इस पे पावर 0 आएगी। ये लिखो ना लिखो एक ही बात है, लिख भी सकते हो 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 0 1 ही होगा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, तो ये वैनिश ही हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म। अब इसको देखना ही नहीं आपको, नेक्स्ट टर्म इसी टर्म को देख के लिख सकते हो, 5 सी 0 था, नेक्स्ट टर्म में 5 सी 1 हो जाएगा, x की पावर 5 थी तो x की पावर एक काम कर दो, x की पावर 4 हो जाएगी, 2 की पावर 0 थी, 2 की पावर एक बढ़ा दो, 0 थी तो इसमें 1 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, प्लस 5 सी 1 है ना, 5 सी 2 हो जाएगा, x की पावर एक काम करते जाओ, x की पावर हो जाएगी अब 3, और 2 की पावर बढ़ाते जाओ, 2 की पावर 1 थी यहां पे 2 हो जाएगी। नेक्स्ट ये कब तक चलता रहेगा, जब तक यहां पे n c n नहीं आता, दैट इज देखो लास्ट टर्म में क्या है, n c n, दैट इज 5 c 5 यहां पे आएगा जब, सो 5 c अब 2 है तो यहां पे 3 आ जाएगा। अब x की पावर कम करनी है तो यहां पे 3 थी पावर, यहां पे 2 हो जाएगी, 2 की पावर बढ़ाते जाना है तो यहां पे 3 आ जाएगी, यहां 2 थी ना यहां 3 होगी, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 5 c 4, 5c4 x की पावर कम करनी है, 2 है यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और लास्ट टर्म आपकी आएगी 5c5 x की पावर कम कर दो 1 है तो 1 से एक स्टेप कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी 0, और 2 की पावर बढ़ा दो, 2 की पावर 4 थी तो यहाँ पे 5 हो जाएगी। ये आपने एक्सपेंड कर दिया इसको, अब इसको सिंप्लीफाई भी और भी ये सिंप्लीफाई होगा, लेकिन आपको ये इसको एक्सपेंड करना आना चाहिए। अब एक बात यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे पावर 5 है, जब इसको एक्सपेंड किया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स अब ये रिजल्ट याद रख लो कि जब भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में पावर अगर n होगी, जब उसको एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, n प्लस 1 आएंगी। क्या मतलब हुआ सर इसका, इसका मीनिंग ये हुआ a प्लस बी रेज टू पावर अगर 8 है, इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 8 नहीं आएंगी 9 आएंगी, एन प्लस वन, एट प्लस वन नाइन आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ये फॉर्मूला पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेज में, ए प्लस बी का स्केयर, वो यहीं से तो आता है, बाइनोमियल थ्योरम से ही आता है ये फॉर्मूला, a प्लस बी का क्यूब वो भी यहीं से आता है, रेस टू पावर 4, रेस टू पावर 5, पावर जो मर्जी हो, अब कोई भी इस तरह का एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड एक्सपेंड कर सकते हो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, चाहे पावर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो। क्या फॉर्मूला पढ़ा था ये a प्लस बी होल स्केयर का अपने छोटी क्लासेस में, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, यही पढ़ा था ना, कितनी टर्म्स हैं 1 2 3, और पावर कितनी है 2, तो जितनी पावर होगी उससे एक ज्यादा टर्म आती है हमेशा, तो आपको याद रखना है अगर पावर n है तो उस, ये भी एक एमसीक्यू बनता है, पूछ लेगा कि एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसकी पावर 5 है तो बताओ उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, तो 6 आएंगी, पावर अगर 7 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 8 आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक ज्यादा होती है, ये भी आप याद रख लो।
तो नंबर ऑफ टर्म 6 आ गया। अब इसको अगर सर सिंप्लीफाई करना तो कैसे करना, तो इनकी वैल्यू निकालना तो आपको आता है ना, 5C0 की वैल्यू क्या होगी, 5C1 की क्या होगी, 5C2 की, ये मैंने बता दिया, ये आपने सिंप्लीफाई करना है इनको। फॉर एग्जांपल 5C0 की वैल्यू क्या होगी अगर कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर लोगे। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बायनोमियल थ्योरम को समझना पड़ेगा तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको पूरा एक्सपेंड नहीं करने के लिए वो बोलेगा एग्जाम में, उसकी टेंशन ना लो। 5C0 की वैल्यू क्या होगी, क्या होता है फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, ये एन होता है ना, ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, एन सी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। सो 5 फैक्टोरियल एन माइनस आर, 5 माइनस 0 5 ही होगा, 5 फैक्टोरियल इनटू आर, आर 0 है तो 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 1, 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 अपॉन 1 इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हो सबके, ठीक है। एक तो कैलकुलेट करके एक कोफिशियंट आएगा, एक ये वेरिएबल रहेगा, 2 की पावर 0 1 ही होगा, ये भी 1 आया तो 1 × 1, तो पहली आपकी जो आएगा वो एक्स रेज टू पावर 5 ही आएगी पहले टर्म। दूसरी टर्म देख लो, 5C1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 5 आएगी, 5 × 10 तो ये आ जाएगा 10 x^4, ठीक है। 5C2 की वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आएगी, वो यहाँ पे लिखो, फिर 2 की पावर 4 ये भी आएगा, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और साथ में x³ आएगा। इस तरह से 6 टर्म आपने लिख लेनी है। सिमिलरली ये देखो 2x + 3y^6, अब इसको एक्सपेंड करना है, अब जल्दी से करेंगे। n देख लिया हमने क्या है, 6 है, a आपका 2x, b आपका 3y, तो पहले फॉर्मूला होता है nc0, तो 6c0 a की पावर n, a कितना यहाँ पे 2x है, 2x^n, n कितना है 6 है, और b की पावर 0 होती है, उसको लिखो ही मत, ठीक है, उसको छोड़ दो, उसको मत लिखो आप, यहाँ पे भी ये लिखने की जरूरत नहीं थी और लास्ट वाली टर्म में ये लिखने की जरूरत नहीं थी, पावर 0 1 हो जाता है। प्लस नेक्स्ट 6c0 था ना, अब आएगा 6c1, 2x की पावर 1 कम कर दो, 6 थी तो 5, अब b की पावर 1 आ जाएगी, b कितना है 3y, यहाँ पे 0 थी इसलिए नहीं लिखी थी, b की पावर 1 आ गई। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 6c2, 2x की पावर कम करनी है और 3y की पावर बढ़ानी है हमें, 2 आ जाएगा। फिर आएगा 6c3, क्या आएगा बोलो जल्दी, 2x की पावर क्या आएगी, 4x कम करनी है, 3 हो जाएगी, और 3y की पावर क्या आएगी, 1 बढ़ा देनी है, 3 आ जाएगी। नेक्स्ट आएगा 6C3 था, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2x की पावर 1 कम कर दो 2, और 3y की पावर बढ़ा दो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी 6C5, 2x की पावर 1 कम करनी है तो 1 हो जाएगी, b की पावर 1 बढ़ानी है तो 3/4 था, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और लास्ट टर्म आएगी 6C6, 2x की पावर 0 हो जाएगी, लिखो चाहे ना लिखो इसको, और 3y की पावर 6 हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, पूरा एक्सपेंड करने के लिए नहीं बोलेगा, आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन दे देगा और बोलेगा बताओ इसकी 5th टर्म क्या होगी, बताओ इसकी 6th टर्म क्या होगी, कोई टर्म, एक टर्म पूछेगा। तो एक टर्म निकालने के लिए आपको पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती, उसका अलग से फॉर्मूला होता है, वो हम फॉर्मूला अभी डिस्कस करेंगे। अब एक बात और, हो सकता है वो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ईजी करके दे दे, वो बोले इसकी 5th टर्म बताओ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5th टर्म ये आ रही है, और ऑप्शन में इसी तरह दे, सिंप्लीफाई करके दे ही ना, 5C4 की वैल्यू वो निकाले ही ना, तो वो तो बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा, वो तो सीधा फॉर्मूला लगाना आपको आंसर मिल जाएगा, ये आ गया आंसर। या इसको सॉल्व करके भी दे सकता है, 5C4 की वैल्यू निकालोगे, 2 की पावर 4 8 हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, साथ में एक एक्स भी आ रहा है तो वो टर्म आ जाएगी, या उस टर्म का कोफिशियंट पूछ लेगा। अगर कोफिशियंट पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछता है ये 2nd टर्म का कोफिशियंट, आपको सिर्फ ये देगा गिवन और बोलेगा दी कोफिशियंट ऑफ 2nd टर्म, तो 2nd टर्म को हमने सिंप्लीफाई किया था, 10x^4 आया था ना, तो ये कोफिशियंट है इसका, तो आंसर आपका कितना हो जाता, 10। अगर पूरी टर्म पूछता तो 10x^4 आंसर हो जाता, अगर सिर्फ कोफिशियंट पूछता 2nd टर्म का तो 10 आंसर हो जाता। ये सभी क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपैंड करना आना चाहिए, ये इसको एक बार आप प्रैक्टिस करो। अब देखो इसको एक्सपैंड करना है, ए यहाँ पे आ गया x², बी आपका आ जाएगा 3/x और एन आ गया 4, तो क्या आएगा, nc0 से स्टार्ट होता है तो n यहाँ पे 4 है, तो 4c0 a की पावर n, a यहाँ पे x² है, x² की पावर n, n कितना है 4, और b की पावर 0 आएगी वो हम लिखेंगे ही नहीं। प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी 4c1, a की पावर एक कम कर देनी है, x² की पावर 4 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगी, अब b की पावर 1 आएगी, b कितना है 3/x की पावर 1। प्लस 4c2 x² की पावर अब कितनी हो जाएगी, 3 है तो एक कम हो जाएगी 2, और 3/x ये b की पावर बढ़ा देनी है 2 हो जाएगी। प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 4c3 x² की पावर 1 हो जाएगी अब, और 3/x की पावर अब 2 थी यहाँ पे 3 हो जाएगी, और लास्ट टर्म आपकी आएगी 4c4
एक्स स्केयर की पावर जीरो हो जाएगी, चाहे इसको लिखो ही ना, इसकी पावर जीरो हो गई है, और बी की पावर लास्ट में एन आती है तो थ्री थी, अब यहाँ पे फोर हो जाएगी, एन आएगी, देखो ये एन फोर ही है। अब पूरा एक्सपेंड करने के लिए बोलेगा, अब पूछेगा क्या, फॉर एग्जाम्पल वो आपको बोल देगा, ये एक्सप्रेशन दे देगा, बोलेगा इसकी थर्ड टर्म बताओ, थर्ड टर्म इसकी ये थी, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, पहले फोर सी टू की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे, फोर सी टू हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 हो गया 2 फैक्टोरियल, फिर इंटू आर फैक्टोरियल होता है, आर टू या 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को ओपन करो 4 इंटू 3 इंटू बस 2 फैक्टोरियल तक ओपन करो, बिकॉज 2 फैक्टोरियल नीचे भी है कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू इस 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, 2 इंटू 1 होता है ना 2 ही आएगा, ये कैंसिल, ये 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 टू 4, 2 3 जा 6, तो इसकी वैल्यू 6 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो मैं लिख रहा हूँ 6। फिर x स्केयर का होल स्केयर, पावर्स के ऊपर पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 2 टू 4 तो x की पावर 4 हो जाएगी, फिर 3 अपॉन x पे स्केयर है, इसका होल स्केयर है, 3 का भी स्केयर होगा x का भी स्केयर होगा, 3 का स्केयर हो जाएगा आपका 9 और नीचे x पे भी स्केयर आएगा। अब ये 9 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा 54 x रेज टू पावर 4 और नीचे x स्केयर भी है, तो ये x स्केयर कैंसिल हो जाएगा, x 4 से कितना बचेगा, x स्केयर बचेगा, दो पावर कैंसिल होगी, दो बच गई, तो आपका आंसर आ गया 54 x स्केयर, ये आपका आंसर होगा। अगर आपको क्या पूछ लेगा, ये आपको ये एक्सप्रेशन देगा क्वेश्चन में और बोलेगा फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो थर्ड टर्म इसकी हो जाएगी 54 x स्केयर। आपको ऐसे नहीं करना अटेम्प्ट, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हम वो वाला लगाएंगे, लेकिन ये करने से क्या होगा, आपको बाइनोमियल थ्योरम क्लियर होगी कि होती क्या है, इससे कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे टर्म्स को हम निकाल सकते हैं। या ये भी पूछ सकता है आपको कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, थर्ड टर्म का सिर्फ कोफिशिएंट पूछ ले, अगर सिर्फ कोफिशिएंट पूछा तो कोफिशिएंट कितना है, जो नंबर पीछे होगा वेरिएबल के साथ वो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट आपका हो जाएगा 54। इसको आप खुद ट्राई करो, इसको एक्सपेंड करो, ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 6, n आ गया 6, a आ गया x, b आ गया 1 अपॉन x, ठीक है, इसको खुद करो। अब एक चीज और देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर a माइनस b रेज टू पावर n होगा सर तब क्या होगा, तब कुछ नहीं करना, आपने a प्लस b रेज टू पावर n का ही फॉर्मूला लगाना है, बस साइंस अल्टरनेटिव साइंस आ जाएंगे, पहली टर्म के साथ प्लस का साइन आएगा, दूसरी टर्म अब प्लस की नहीं होगी, उसके साथ माइनस आएगा, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, ऐसे होगा, ये आपको याद रख लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, इसी में आ जाओ, इसी क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ, अगर आपको यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता और आपको थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए बोल देता, तो आप क्या करते, प्लस की जगह माइनस है, पहले तो ऐसे सॉल्व करते, आप साइन अल्टरनेट लेते बस, और कुछ नहीं, यहाँ पहली टर्म प्लस की, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा, ये प्लस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, और ये प्लस ही रहेगा, तो पहला प्लस लेना है, दूसरी टर्म माइनस की ले लेनी है, फिर थर्ड टर्म प्लस की, फिर फोर्थ माइनस की, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थर्ड टर्म के साथ देखो प्लस ही है, तो आंसर यही आएगा 54 एक्स स्केयर। अगर सेकंड टर्म का पूछ लेता तो फिर अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस वाला आंसर आता, अगर यहाँ पे माइनस होता, माइनस दिया होता, तो फिर साथ में एक माइनस भी ले लेना आपने, अगर सेकंड टर्म का पूछा होता। ये बात क्लियर होगी कि अगर माइनस भी हुआ तब भी उसी मेथड से करना है, सिर्फ अल्टरनेट टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, पहली टर्म का साइन प्लस ही रहेगा, दूसरी का माइनस हो जाएगा, थर्ड का प्लस ही रहेगा, फोर्थ का माइनस हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है ये पॉइंट। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे वो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हो किसी भी एक्सप्रेशन की, कोई भी टर्म आपको बोले फिफ्थ टर्म फाइंड करो, सिक्स टर्म फाइंड करो, आप एक्सपैंड किए बिना फिफ्थ टर्म फाइंड कर सकते हो, तो ये फॉर्मूला उसके लिए, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर, इस फॉर्मूले को आपको मेमोराइज करना होगा, ठीक है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे अभी हम एग्जांपल में देखेंगे, बस इतना इस फॉर्मूले में याद रखना है। अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालने के लिए बोला, अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालने के लिए बोला तो आर की वैल्यू आप फोर लोगे फिर, क्योंकि ये फॉर्मूले में देखो आर प्लस वन है, आर की वैल्यू यहाँ पे फोर लूंगा तो फोर प्लस वन फाइव, तो तभी फिफ्थ टर्म आएगी, ये बात ध्यान से याद रख लेना, ठीक है। अगर आपको सेवन्थ टर्म निकालने के लिए बोला तो आप आर की वैल्यू कितनी लोगे फिर, आर की वैल्यू एक कम लेनी है हमेशा, सिक्स, क्योंकि यहाँ पे सिक्स आएगा तभी तो ये सेवन बनेगा, सिक्स प्लस वन सेवन हो जाएगा, ये बात याद रख लो बस, और ये फॉर्मूला याद कर लो। अब देखो क्वेश्चन, फाइंड सेवन टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, ये आपको एक्सप्रेशन दिया है, इसकी आपको सेवन टर्म फाइंड करनी है, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर। अब सेवन टर्म निकालनी है तो आर की वैल्यू कितनी लूंगा, आर की वैल्यू मैं सिक्स लूंगा, सिक्स प्लस वन तभी तो टी सेवन आएगा, तो आर की वैल्यू सिक्स ले ली, सिक्स प्लस वन तो टी सेवन, सेवन टर्म हमें मिल जाएगी, आर की वैल्यू सिक्स पुट कर दो, और एन की वैल्यू आपको गिवन दी है, ये देखो एन की वैल्यू नाइन है, ए की वैल्यू थ्री एक्स है, और बी की वैल्यू टू वाई है, ये सारी वैल्यू पुट करो, एन एन आपका नाइन आ गया, सो नाइन सी आर, आर कितना लिया, जो टर्म फाइंड करनी होगी उससे कम, एक कम आर ले लेना आपने, आर हमने सिक्स लिया,
ए, ए कितना आपके पास 3x, सो 3x रेज टू पावर n माइनस आर, n है 9 और r लिया है 6, तो 9 माइनस 6 कितना बचेगा 3। बी रेज टू पावर r, b आपका है कितना, b आपका 2y है और रेज टू पावर r, r कितना आपके पास 6 है, तो ये टर्म आ जाएगी। इसको बस आप सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। या हो सकता है ऑप्शन में ये इसी फॉर्म में आपको दे दे, इजी करने के लिए ऑप्शन में हो सकता है इसी फॉर्म में दे दे, ज्यादा चांसेस यही है कि इसी फॉर्म में आपको ऑप्शन देगा, लेकिन हो सकता है कि सॉल्व करके भी दे दे, या हो सकता है कोफिशियंट पूछ ले। ये भी यहां पे ये भी पूछ सकता था, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ सेवंथ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 9c6 को, 9c6 क्या होता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल, n यहां पे 9 है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, तो 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, r कितना है 6 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल को मैं 6 फैक्टोरियल तक ओपन करूंगा, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, सो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल क्लोज डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को ओपन करो, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल क्या होता है, ये कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हमने परमुटेशन की वीडियो में किया है, वो देख लो अगर नहीं देखी है तो, 6 फैक्टोरियल एज इट इज, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे 3 भी कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 3 सा 9, 2 भी कैंसिल होगा ये वाला 8 के साथ, 2 4 सा 8, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 सा 12, 12 इंटू 7, 12 इंटू 7, 7 2 सा 14, 4 1 आया कैरी, 7 1 सा 7 एंड 1 8, तो ये आपका आ गया 84, इसकी वैल्यू आ गई 84, इसकी वैल्यू अभी निकाली हमने, तो ये आ जाएगा 84। 3x का क्यूब है तो 3 पे भी क्यूब आएगा, x पे भी क्यूब आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और x क्यूब एज इट इज, 2 की पावर 6 है तो 2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 6 देखो मतलब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 64 आ जाएगा और y की पावर 6, y की पावर 6। अब क्या होगा, अब तीन नंबर है आपके पास, 84, 27, 64, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो यहां पे आ जाएगा, और वेरिएबल क्या है, एक्स क्यूब है और वाई रेज टू पावर 6, वो एज इट इज यहां पे आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, अगर इस ऑप्शन के फॉर्म में नहीं दिया आपको, आपको पूरा सिंप्लीफाई करके दिया तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तब अगर कोफिशियंट पूछा तो यहां पे जो भी नंबर आएगा वही आपका कोफिशियंट होगा, अगर पूरी टर्म पूछी तो ये पूरा आपका आंसर होगा, अगर कोफिशियंट पूछा तो यहां पे जो भी नंबर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप अब आपको अगर कोई भी टर्म किसी भी एक्सप्रेशन की फाइंड करने के लिए बोलेगा आप कर लोगे, सिर्फ एक दो बातों का ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला लर्न करना है और आर की वैल्यू क्या लेनी है, जो भी टर्म निकालनी है उससे एक कम आर की वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर पाओगे। अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है लास्ट, मिडिल टर्म फाइंड करने का, आपको दे देगा एक एक्सप्रेशन, बोलेगा इसकी मिडिल टर्म फाइंड करो, मिडिल टर्म होता है सेंटर वाली टर्म, है ना। तो यहां पे दो केसेस बनेंगे आपके, लगेगा वही फॉर्मूला जो अभी हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, ए रेज टू पावर एन माइनस आर, बी रेज टू पावर आर, फॉर्मूला यही लगेगा। ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो ना जब आपको पता हो कौन से नंबर वाली टर्म फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन अभी हमने किया उसमें दिया हुआ था ना कि सेवन टर्म फाइंड करो, तो जब तक ये आपको ना पता होगा कि मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है तब तक ये फॉर्मूला बेकार है। तो पहले आपको फाइंड करना होगा कि मिडिल टर्म कौन से नंबर वाली टर्म होगी, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में तो सीधा बोल देगा फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन दे देगा इसकी मिडिल टर्म फाइंड करो, तो मिडिल टर्म कौन से नंबर पे आएगी पहले तो वो फाइंड करना होगा, सेवंथ नंबर पे आएगी, सिक्स नंबर पे आएगी, फाइव नंबर पे आएगी, तभी तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। तो वो फाइंड करने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला है, आपको बस ये पावर देखनी है, क्या देखनी है, ये पावर देखनी है, ये पावर, ठीक है, पावर देखनी है, एन देखना है, अगर एन इवन हुआ तो मिडिल टर्म एक ही आएगी और वो कौन सी होगी, n अपॉन टू प्लस वन टर्म, ये वाली टर्म जो होगी ये मिडिल टर्म होगी, और अगर n ऑड हुआ तब मिडिल टर्म दो आएंगी, एक आ जाएगी ये वाली n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई टू है, यहां पे ध्यान रखना यहां पे होल डिवाइडेड बाई टू है, यहां पे n अपॉन टू है फिर प्लस वन है, और n प्लस वन होल डिवाइड बाई टू प्लस वन, तब ये दो टर्म जो आपकी आएंगी ये मिडिल टर्म आएंगी। इवन वाले केस में एक ही मिडिल टर्म आती है, ऑड वाले केस में दो मिडिल टर्म आती है, एक ये वाली आएगी, यहां से आपको नंबर मिल जाएगा कौन से नंबर वाली टर्म आपको फाइंड करनी है। अब ये इवन ऑड का अगर समझ में नहीं आया तो आप देखो यहां पे, यहां से समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ अगर a प्लस बी रेज टू पावर, पहले क्या इवन वाला किया ना मैंने, इवन वाला कोई पावर इवन ले लेते हैं, इसकी पावर है 6, तो मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ, जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। अभी मैंने बताया जो पावर होती है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आती है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा इसमें 7 टर्म्स आने वाली हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको पता है अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो मिडिल टर्म एक ही होती है, जैसे यहां पे मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, तीन इस तरफ छोड़ दो, तीन इस तरफ छोड़ दो, है ना ये मिडिल टर्म, है ना ये सेंटर वाली, तो एक ही टर्म आई जब पावर इवन होगी, जब पावर इवन होगी, और ये आपने फाइंड भी कर लिया कौन सी है, फोर्थ वाली, देखो 1 2 3, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, फोर्थ वाली टर्म हमारी मिडिल टर्म है। तो इस केस में आप सीधा फिर क्या निकालोगे, t4 निकालोगे, ये फॉर्मूला लगा के, यहां r की वैल्यू 3 लोगे, समझ रहे हो बात को,
लेकिन अगर पावर हुई 8, a प्लस बी रेज टू पावर 5 ले लेता हूं, तब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं इससे एक ज्यादा, तो 5 प्लस 1, तो इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 6 आएंगी, दैट इज इवन आएंगी। तो 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बताओ कौन सी मिडल टर्म होगी? ये भी नहीं हो सकती, बिकॉज ये अगर लोगे, ये वाली टर्म अगर मिडल लोगे तो इस तरफ 2 है, इस तरफ 3 है, तो ये कहां से सेंटर वाली टर्म हुई? ये वाली टर्म लोगे तब भी ये सेंटर वाली नहीं है, इस तरफ 2 है, इस तरफ 3 है, तो ये दोनों सेंटर वाली टर्म, तब दो टर्म्स आती हैं मिडल टर्म्स। तो आपको तब ये भी फाइंड करनी होगी, ये भी ऑप्शन में दोनों टर्म्स दी होंगी, 2x² y² and 5x² y² जो भी होगा, ठीक है, आपको दोनों टर्म्स दी होंगी। तो अगर ये वाला केस हुआ तो दो टर्म फाइंड करनी होगी, अगर ये वाला केस हुआ तो वन टर्म। अगर आपको मिडिल टर्म का क्वेश्चन आया, 90% चांस नहीं है यही केस आएगा जहां पे एक मिडिल टर्म होती है। इतनी बात समझ के, अगर पावर इवन हुई तो एक मिडिल टर्म होगी, और वो मिडिल टर्म कौन से नंबर वाली होगी उसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज पावर 100 हुई, एन की वैल्यू 100 हुई, फिर कहां 100 बनाते रहोगे ऐसे? तो आपको ऐसे याद रखना है, जब पावर इवन होगी तो जो मिडिल टर्म होगी वो ये वाली होगी। जैसे इस केस में, इस केस में मैंने ये वाला केस लिया ना, पावर कितनी ली? 6 ली ना, एन की वैल्यू 6 होगी, तो 6 अपॉन 2 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4th, तो 4th टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी। और यहां से भी कौन सी आई थी? देखो यहां से भी कौन सी आई थी? 4th ही आई थी। तो ये फॉर्मूला याद रखना आपने। और अगर ऑड हुई तो तब दो टर्म्स इवन होंगी, दो टर्म्स मिडिल होंगी, एक ये वाली, एक ये वाली। जैसे हमने ये वाला केस देखा, इसमें मिडिल टर्म दो आ रही है, कौन कौन सी? एक ये थर्ड वाली, एक ये फोर्थ वाली। अब फॉर्मूले से देखते हैं, देखो एन की वैल्यू कितनी है यहां पे? एन की वैल्यू यहां पे 5 है, 5 यहां पे पुट कर दो, 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 3 आ जाएगा, तो पहली मिडिल टर्म थर्ड वाली होगी, थर्ड वाली होगी। और दूसरी मिडिल टर्म कौन सी होगी? इसमें 1 ऐड करना है, तो ये 3 आएगा सॉल्व करके पूरा, प्लस 1 मतलब इससे एक आगे वाली फोर्थ, थर्ड और फोर्थ जो है वो मिडिल टर्म होगी। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको, लेकिन ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। एक तो जनरल टर्म फाइंड करना, एक मिडिल टर्म फाइंड करना। मिडिल टर्म का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पहले आपको पता करना होगा कि मिडिल टर्म कौन सी है। इवन वाले केस में अगर पावर इवन हुई तो मिडिल टर्म सीधा ये वाली टर्म मिडिल होगी। आपको एन की वैल्यू यहां पुट करनी है, उसको 2 से डिवाइड करना है, उसका हाफ करना है और प्लस 1 करना है, फिर वो वाली टर्म फाइंड कर लेनी है आपको। अगर फिफ्थ टर्म आ रही है तो फिफ्थ फाइंड कर लेनी है, सिक्स्थ आ रही है तो सिक्स्थ फाइंड कर लेनी है, जो भी आएगी। अगर पावर आठ हुई तो तब दो मिडिल टर्म आएंगी, दोनों फाइंड करनी होगी। अब वन बाई वन इन दोनों की एक एक एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो, आपको ये एक्सप्रेशन दिया, इसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी है। आपने जैसे ही पावर देखी इवन, तो आप समझ गए अगर पावर इवन हो तो एक ही मिडिल टर्म आती है ना, पावर के केस में एक ही मिडिल टर्म आती है, और वो मिडिल टर्म होती है एन बाई टू प्लस वन। तो एन कितना है यहाँ पे? 6 है, 6 बाई 2 प्लस 1 कर दो, 6 बाई 2 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो यहां से आपको मिल जाएगा कि मिडिल टर्म कौन से नंबर वाली टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन की फोर्थ टर्म जो होगी वही मिडिल टर्म होगी। अब आपको क्या करना है? मिडिल टर्म फाइंड करनी है, तो इसकी फोर्थ टर्म फाइंड कर लो फॉर्मूला लगा के, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर। अब कौन सी टर्म फाइंड करनी है? फोर्थ, बिकॉज फोर्थ ही इसकी मिडिल टर्म है, ठीक है। फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करना है? मैंने क्या बोला है? आर की वैल्यू 3 लेंगे, 3 प्लस 1 तभी तो 4 होगा, टी 4 इज इक्वल टू आर की वैल्यू 3 ले लो। ए की एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? है 6, सो 6 सी आर की वैल्यू कितनी ली हमने? 3। फोर्थ टर्म निकालनी थी ना, तो आर की वैल्यू कितनी ली? 3 ली है, ठीक है। ए आपका कितना है? एक्स बाई 3, तो x बाई 3 रेज टू पावर कितना है? n माइनस r, n आपका 6 है, r हमने 3 लिया। r जैसे ही डिसाइड करोगे कहीं साइड पे लिख लेना कि r मैंने 3 चूज किया, मत 4 करते रहो। अगर 4 टर्म निकालनी है तो r 3, 5th टर्म निकालनी है तो r 4 लेना है। तो n माइनस r, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 ही आएगा, तो इस पे पावर 3 आ जाएगी। b की पावर r करना है, b है कितना? b है आपका 2y की पावर r, r कितना है? 3। मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑप्शन में यही मिलेगा, वो सिंप्लीफाई करके नहीं देगा, बस इतना आपका काम होगा, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, इसी को टिक करना है। अगर उसने सिंप्लीफाई करके दिया तो सिंप्लीफाई भी कर लेना, सिंप्लीफाई करना कौन सा मुश्किल है? 6c3 की वैल्यू निकालनी है, 6c3 की वैल्यू हो जाएगी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, आर 3 है तो 3 फैक्टोरियल। 6 को ओपन कर दिया हमने, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक। नीचे दो 3 फैक्टोरियल हैं, एक को ओपन कर दो 3 इंटू 2 इंटू 1, और एक को ऐसे ही रहने दो। ऐसे क्यों रहने दो? बिकॉज ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 3 2 6, तो 6 और 6 कैंसिल, 5 4 20, तो इसकी वैल्यू तो 20 आ गई, इसकी वैल्यू 20 आ गई इसकी, तो इसको लिख दो 20। अब ये क्यूब है, दोनों पे क्यूब आएगा, x का क्यूब और नीचे भी 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब आपका 27 इंटू 2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? 8, और y का क्यूब आ जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, इनको मल्टीप्लाई करना है। 20 को 8 से करेंगे तो क्या आएगा मुझे बताओ? 8 160 / 27 x³ y³। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हुआ तो ये आंसर होगा, अगर सिंप्लीफाइड में नहीं हुआ तो ये आंसर होगा। समझ गए बात को? मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं?
ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैंने बहुत इजी करके आपको बताने की कोशिश की है। ये बड़ी कैलकुलेशन देख के डर नहीं जाना, आप खुद जब प्रैक्टिस करोगे एक दो क्वेश्चन तो इजी लगता जाएगा, इजी लगता जाएगा आपको, बस प्रैक्टिस करने हैं ये वाले क्वेश्चंस, बार बार प्रैक्टिस करने। हो सकता है कोफिशियंट पूछ ले इसी क्वेश्चन में, अगर आपको पूछ ले फाइंड द कोफिशियंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो मिडिल टर्म तो फाइंड कर लिया आपने, तो इसका कोफिशियंट कितना है, 160/27। अब एक क्वेश्चन ऑड वाला भी करते हैं। अब सपोज इसकी मिडिल टर्म आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पे पावर जैसे ही आपने देखी ऑड, तो आप समझ जाना कि इसकी दो मिडिल टर्म होंगी, इसकी दो मिडिल टर्म होंगी। पहली होगी फॉर्मूला कौन क्या क्या था, एन प्लस वन बाई टू वाली इसकी मिडिल टर्म होगी, और दूसरी होगी एन प्लस वन बाई टू प्लस वन, ये मिडिल टर्म होंगी। एन यहाँ पे कितना है, सेवन, तो सेवन प्लस वन करेंगे एट आएगा, एट बाई टू फोर, एक तो फोर्थ टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी, तो फोर्थ के बाद कौन सी आता है, फिफ्थ ही आता है, चाहे तो इसको सॉल्व कर लो। देखो एन की जगह सेवन डालोगे, सेवन प्लस वन एट ही आएगा ना, एट बाई टू फोर आएगा, फोर में वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फिफ्थ ही आएगा ना। तो ये टर्म आपको बस फाइंड करनी है, दूसरी जो होगी इससे एक आगे वाली होगी, क्योंकि वन ही ऐड हुआ है इसमें देखो, तो आपको अब फोर्थ टर्म भी निकालनी है और फिफ्थ भी निकालनी है, ये डिफरेंस है। ऑड वाली पावर में आपको दो टर्म निकालनी पड़ेंगी, वो लंदी हो जाएगा थोड़ा, है ना, और इवन हुई है वो तो इजी है, फिर एक ही निकालनी। अब टी फोर निकालना और टी फाइव निकालना है, पहले टी फोर निकालते हैं। टी फोर के लिए आर की वैल्यू थ्री पुट करनी पड़ेगी, थ्री प्लस वन, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर, ए रेज टू पावर एन माइनस आर, बी रेज टू पावर आर, एन सी आर। एन कितना है यहाँ पे, एन देखो सेवन है, सेवन सी आर, आर कितना लिया है, आर थ्री लिया है, यहाँ पे थ्री आ जाएगा। ए, ए कितना है यहाँ पे, ए हमारे पास थ्री है, तो थ्री की पावर एन माइनस आर, एन सेवन है और आर थ्री लिया है, सेवन माइनस थ्री कितना बचेगा, फोर। फिर फॉर्मूला देखो, बी की पावर आर, बी कितना है आपके पास, अब यहाँ पे माइनस बी है, ये भी ध्यान रखना, तो माइनस वाला केस हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको प्लस वाले हिसाब से करते हैं, फिर माइनस वाला केस देखेंगे। देखो माइनस को अभी रहने दो, अभी आप टर्म निकाल लो, बी कितना है, ये आपके पास बी, एक्स क्यूब अपॉन सिक्स रेज टू पावर, रेज टू पावर कितना आएगा, आर आएगा, रेज टू पावर कितना आएगा, आर आएगा, आर हमने कितना लिया, थ्री लिया, रेज टू पावर थ्री। अब जो ये माइनस वाला केस है ना, तो आप चाहे तो बी को यहाँ पे माइनस ले सकते हो, अगर नहीं ले सकते तो फिर उस ट्रिक से भी कर सकते हैं कि पहली टर्म प्लस की होगी, दूसरी माइनस की होगी, तीसरी प्लस की होगी, चौथी माइनस की होगी। अब ये कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं ना, तो फोर्थ वाली टर्म के साथ माइनस का साइन आएगा, और फिफ्थ वाली जब निकालोगे उसके साथ प्लस का साइन आएगा, वैसे भी निकाल सकती हो। या यहाँ पे माइनस रख दिया, आप देखो पावर है ऑड, जब भी पावर ऑड हो तो माइनस बाहर आ जाता है, अगर पावर इवन हो तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब या तो ऑप्शन में आपको ये होगा, देखो पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस सेवन सी थ्री थ्री रेज टू पावर फोर और एक्स क्यूब अपॉन सिक्स रेज टू पावर थ्री, या तो ये होगा या इसको सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई कर लेना खुद, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लोगे ना, तो ये इसकी फोर टर्म आ गई। सिमिलरली इसकी फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आर की जगह फोर पुट कर दो, फोर प्लस वन फाइव, तो इस तरह से आप निकालोगे मिडिल टर्म। तो ये था आपका बाइनोमियल थ्योरम, मैंने जितने भी तरह के क्वेश्चन कराए ये आपको बस यही क्वेश्चन चाहे करो, एक बार प्रैक्टिस करो इनको, एक बार प्रैक्टिस करो तो आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है फाइंड द फोर टर्म, ये आप खुद प्रैक्टिस करोगे, मैं नहीं कराऊंगा ये, इसकी इस बस कुछ नहीं दिया, इसकी फोर टर्म निकालनी है। और क्या है यहाँ पे आपको माइनस दिया, तो माइनस को अभी भूल जाओ, अब टी फोर निकालना है ना, टी फोर तो आर की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, थ्री पुट करनी पड़ेगी, है ना, तभी तो थ्री प्लस वन फोर होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, एन सी आर, ए रेज टू पावर एन माइनस आर, बी रेज टू पावर आर, लिखा तो फॉर्मूला। एन कितना है, एन यहाँ पे ट्वेल्व है, तो ट्वेल्व सी आर कितना लिया है, थ्री, तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा। ए यहाँ पे एक्स है, तो एक्स की पावर एन माइनस आर, एन माइनस आर, एन माइनस आर, ट्वेल्व माइनस थ्री कितना, नाइन। बी, बी कितना यहाँ पे, माइनस सात में ले लो, या माइनस हम दूसरे इस हिसाब से हिसाब लगा के लेंगे, ठीक है, ऐसे भी हिसाब लगा लो या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो टू वाई ले लेते हैं अभी, तो अभी माइनस को हम नहीं ले रहे। पावर कितना आएगा, इसकी पावर में आर आएगा, आर कितना लिया हुआ है, थ्री, आर कितना है, थ्री। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करने के बाद सर साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा, बिकॉज बीच में माइनस दिया, तो ये कौन सी टर्म निकाल रहे हो आप निकाल रहे हो इसकी फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म के साथ देखो कौन सा साइन आता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस आता तो माइनस आएगा। या यहाँ पे अगर बी की जगह माइनस भी, बी के साथ माइनस भी ले लेते तब भी आपका क्वेश्चन हो जाता, बी के साथ माइनस लेते ऊपर पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, वही आपका आंसर है, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन देख लो, ये खुद करो, द कोफिशियंट ऑफ, अब देखो इसमें थोड़ा सा इसने क्या किया, चेंज किया, आपको कोफिशियंट फाइंड करना है इस टर्म का, जिस टर्म में ये वाला वेरिएबल आएगा ना, ये वाला वेरिएबल एक्स रेज टू पावर सिक्स, वाई रेज टू पावर थ्री, उसका आपको कोफिशियंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपको टर्म नहीं दी हुई है कि कौन सी टर्म का निकालना है आपको कोफिशियंट, कोफिशियंट निकालने से पहले वो टर्म निकालते हैं हम, टर्म निकालने के लिए हमें पता होनी चाहिए वो कौन से नंबर वाली टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है, यहाँ पे वो नहीं दिया, तो वो आप कैसे कर सकते हो, एक्स की पावर सिक्स कौन सी टर्म में आएगी, देखो ये एक्सप्रेशन दिया आपको, एक्स रेज टू पावर टू वाई रेज टू पावर नाइन, वो तो आप आराम से कैसे कर सकते हो। जब मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा तो सबसे पहले ए की पावर एन आता है, ए यहाँ पे एक्स है, ए की पावर एन आता है ना, नाइन, तो पहली टर्म में एक्स की पावर नाइन आएगी, फिर ए की पावर डिक्रीज होती जाती है,
है ना। तो नेक्स्ट टर्म में x की पावर 8 आएगी, नेक्स्ट टर्म में x की पावर 7 आएगी, नेक्स्ट टर्म में x की पावर 6 आएगी। तो इसी का तो हमें कोफिशिएंट निकालना है, देखो x की पावर 6। तो अब ये कौन से नंबर वाली टर्म होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर टर्म आपको फाइंड करनी है। इन शॉर्ट आपको पहले फाइंड करना है फोर टर्म, फिर उसका जो भी कोफिशिएंट हुआ उसको टिक करना है। यहां से भी गैस कर सकते थे y की पावर से, y यहां पे देखो b में है, वाई बी एम में है ना, तो बी की पावर पहले तो जीरो होती है, तो वाई की पावर पहले जीरो होगी, फिर बी की पावर इंक्रीज होती जाती है, वाई की पावर वन होगी, फिर वाई की पावर टू होगी, फिर वाई की पावर थ्री होगी, फिर वाई की पावर फोर होगी, एंड सो ऑन। हमें क्या चाहिए, वाई की पावर थ्री वाला टर्म, वाई की पावर थ्री, तो थ्री कहाँ, इसमें है। तो ये कौन से नंबर वाली टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखो यहाँ से भी वही आ रहा है फोर टर्म। तो यहाँ से पहले आप गैस लगाओगे कौन सी टर्म निकालनी है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, आपको वेरिएबल दे देगा, बोलेगा जिस टर्म में ये वाला वेरिएबल आता है उस टर्म का कोफिशिएंट बताओ। तो पहले आपको इसी वेरिएबल को लेके पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके आपको फाइंड करना होगा ये कौन से नंबर वाली टर्म है, फिर वो टर्म निकाल दो। अब टी फोर आपको निकालना है, बस टी आर की जगह थ्री पुट करेंगे क्योंकि फोर टर्म निकालनी है, थ्री प्लस वन, क्या फॉर्मूला होता है, एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर, पुट कर दोगे आप। एन कितना है, एन यहाँ पे देखो एन यहाँ से मिल जाएगा आपको नाइन, एन है नाइन, सी आर हम थ्री पुट कर रहे हैं यहाँ पे थ्री आ जाएगा, ए ए कितना है यहाँ से मिलेगा एक्स है ए, एक्स की पावर एन माइनस आर, तो एन है नाइन और आर हम ले रहे हैं थ्री, नाइन माइनस थ्री कितना हो जाएगा आपका सिक्स। बी बी कितना है आपके पास, टू वाई आपका बी है, टू वाई की पावर कितनी करनी है आर करनी है, आर कितना आर थ्री है। अब यहाँ से आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि कोफिशिएंट चाहिए ना। नाइन सी थ्री की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, नाइन सी थ्री क्या हो जाएगा, नाइन फैक्टोरियल अपॉन नाइन माइनस थ्री सिक्स फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, नाइन को ओपन करो सिक्स तक, तो आ जाएगा नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल, सिक्स फैक्टोरियल एज इट इज, थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू सिक्स होती है तो सीधा सिक्स लिख रहा हूँ। थ्री फैक्टोरियल क्या होता है, थ्री इंटू टू इंटू वन, थ्री टू सा सिक्स, सिक्स इंटू वन सिक्स ही आएगा, सिक्स फैक्टोरियल कैंसिल, इसको भी काट सकता हूँ मैं सिक्स को, देखो थ्री के टेबल से थ्री टू सा सिक्स, थ्री थ्री सा नाइन, फिर इसको टू के टेबल से काट सकते हैं एट के साथ, टू फोर सा एट, अब मल्टीप्लाई करो थ्री फोर सा ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू सेवन आपको करना है, ट्वेल्व इंटू सेवन, सेवन टू सा फोर्टीन, फोर वन आया कैरी, सेवन वन सा सेवन, वन एट, एटी फोर इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 84। फिर एक्स रेज टू पावर सिक्स एज इट इज, अब ये टू के ऊपर भी क्यूब है, वाई के ऊपर भी क्यूब है, ब्रैकेट है, ठीक है, होल क्यूब है, तो टू का क्यूब आपका एट हो जाएगा, एट, और वाई पे भी क्यूब आएगा। अब कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट मतलब नंबर, 84 और 8 आपका कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर सिक्स वाई रेज टू पावर थ्री, देखो एक्स रेज टू पावर सिक्स वाई रेज टू पावर थ्री, यहां से चेक कर लो वही आ रहा है ना, एक्स रेज टू पावर सिक्स वाई, इसी का तो कोफिशिएंट बताना था, तो इसका कोफिशिएंट आपका हो जाएगा 84 इंटू 8 कर लो बस, 84 इंटू 8, 8 फोर सा 12, 2 वन आया कैरी, 8 सॉरी 8 फोर सा 32, 8 फोर सा 32, 2 थ्री आया कैरी, 8 एट सा 60, 8 एट सा 64, 65, 66, 67, सो 672 इसका कोफिशिएंट आ जाएगा आपका, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। तो इन क्वेश्चन को आपको वापस प्रैक्टिस करना है तभी जाके ये बाइनोमियल थ्योरम आपका कवर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं, ये आप खुद ट्राई करोगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर फाइव ऑफ दिस एक्सप्रेशन, अब देखो आपको टर्म नहीं दी, पहले टर्म फाइंड करो, एक्स रेज टू पावर फाइव कौन सी टर्म में आएगा, पहले एक्स की पावर एट आएगी, है ना, क्योंकि एक्स की पावर ए की पावर एन होती है ना सबसे पहले जब बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, फिर एक्स की पावर सेवन आएगी, फिर एक्स की पावर सिक्स आएगी, फिर एक्स फोर टर्म निकालनी है आपको, सिंपल फोर टर्म निकालनी है, फिर उसका कोफिशिएंट बताना है। यहाँ पे ए रेज टू पावर फाइव बी रेज टू पावर सेवन, इस टर्म का ए ए से देखो आप, ए की पावर फाइव कब आएगी, पहले तो ए की पावर ट्वेल्व आएगी, फिर आएगी ए की पावर इलेवन, फिर आएगी ए की पावर टेन, फिर नेक्स्ट टर्म में ए की पावर नाइन आएगी, फिर ए की पावर एट आएगी, फिर ए की पावर सेवन आएगी, फिर ए की पावर सिक्स आएगी, फिर ए की पावर फाइव आएगी। तो कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, तो आपको एट टर्म निकालनी है, टी एट निकालना है इस केस में, इस केस में। यहां से भी कैसे निकाल सकते हो, बी की पावर सेवन है ना, तो बी यहाँ यहाँ दिया, तो बी की पावर कहाँ से शुरू होती है, जीरो से, तो बी की पावर जीरो आएगी पहले, फिर बी की पावर वन, फिर बी की पावर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर b की पावर 6, फिर b की पावर 7, यही दिया हुआ ना, b की पावर 7 दिया ना, तो काउंट कर लो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ, एट्थ टर्म में ये आ रहा है और एट्थ टर्म में ये भी आ रहा है, तो आपको एट्थ टर्म फाइंड करनी है इसकी, तो ये आप खुद करोगे और ये क्वेश्चन भी आप खुद करोगे, ये तीन क्वेश्चन है ये भी आप खुद करोगे, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना, ठीक है। प्लस माइनस जहां पे प्लस होगा वहां तो सिंपल, तो माइनस वाले में मैंने बता दिया, जैसे ये क्वेश्चन माइनस वाला है, इसमें कौन सी टर्म निकालनी है, एट्थ, तो एट टर्म का साइन प्लस का होगा माइनस का होगा, यहीं से देख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस आएगा जो भी आंसर होगा उसके साथ माइनस होगा, तो इस तरह के माइनस वाले क्वेश्चन में आपको प्लस वाला ऑप्शन भी गिवन होगा, तो वो नहीं गलत कर देना, तो माइनस का ध्यान रखना है खास करके, ठीक है। अगर यहां पे सपोज सेवन टर्म निकालनी होती तो उसके साथ प्लस आता, बिकॉज सेवन टर्म में देखो प्लस आ रहा है,
सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए इनको एक एक बार आप ओवर प्रैक्टिस करो नोटबुक पे, तो देखना आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। FA की प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो देखो, वन बाई वन हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। 10 out of 10 आपको लेने ही लेने मैथ्स में, ठीक है, उसके बिना आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती।